आप भी समझ सकते हैं कि माँ की क्या फीलिंग होती है। कब आप खुद तो कर लेते हैं, पर बच्चों का दूध पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा है, 22 साल मेरी उम्र है, और मेरी सास ने बड़ी चालाकी के साथ मेरे साथ बहुत हथियार की। मेरी सास ने मेरे से जगह छीन लिया तो मैं घर से मुझे बेदखल कर दिया है। 16 साल की मेरी उम्र में शादी हुई थी, जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत अच्छी। उसके बाद कुछ अल्लाह की करनी ऐसी थी, मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। 14 अगस्त का दिन था तो वो सैलरी लेके वापस आ रहे थे फैक्ट्री में से, तो उनके हॉर्न किसी ने मारा, मोटरसाइकिल का हैंडल घूम गया, बाइक बिलर के साथ जाके लगे। वो बाइक बिलर के साथ लग के उनके फुटबॉल पे चर लगा, वो मौके पे ही डेथ उनकी होगी। मेरी सास ने बड़ी चालाकी के साथ मेरे शोहर के दोस्त के साथ शादी करवा दी। शादी करवा के उसमें से हक दावा मेरा ख़त्म कर दिया उसने चालाकी के साथ। पहले शोहर में से एक बेटी और बेटा था, वो भी उसने मुझसे छीन लिया। जो कि दूसरा था उसने वो चालाकी के साथ नकाह पढ़वा के बाद में डिवोर्स ले दिया। दूसरे में से दो जोड़े बेटे हुए, जो कि मैंने एक अपनी माँ को दे दिया और एक मेरे पास है। उम्र छोटी थी, ना समझ थी, मुझे पता नहीं चला मेरी सास ने मेरे साथ चालाकी खेली। मेरे शोहर के जायदाद का हिस्सा उसने मेरा हक दावा ख़त्म कर दिया चालाकी के साथ, कि तुम्हारा नकाह आगे बढ़ाऊँगी तो फिर इसका हक दावा ख़त्म हो जाएगा। उसने हक दावा ख़त्म करने के लिए ये सारा प्लान किया। मुझे नहीं पता, घर का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है। मैं घर में सिलाई वगैरह करती हूँ, जिसकी वजह से मैं बच्चे का दूध बहुत मुश्किल से पूरा करती हूँ। घर का किराया नहीं दिया जाता तो बच्चे की दवाई के लिए भी कभी कभी पैसे नहीं होते। घर के इस तरह के हालात हो गए कि कभी कभी खाना भी नहीं मिलता। आप भी समझ सकते हैं कि माँ की क्या फीलिंग होती है। कब आप खुद तो कर लेते हैं, पर बच्चों का दूध पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शोहर की भी बड़ी याद आती है और बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्या करूँ, घर के हालात इस तरह के हैं कि मैं बच्चों को लेके नहीं आ सकती। एक बच्चे का दूध मुश्किल पूरा होता है, किराया बहुत मुश्किल होता है, तो वो बच्चों को लेके आगे क्या करूँगी। मैं बुटीक बनाना चाहती हूँ, जिसमें मुझे लगता है मैं अपने बच्चों की दूध पानी किराया वगैरह पूरा कर सकती हूँ, और परवरिश भी अच्छी दे सकती हूँ बच्चे को। बुटीक के लिए मुझे 2-3 लाख रुपये चाहिए। मेरे घर में खाना बड़ा मुश्किल होता है और मैं कहाँ से अरेंज करूँगी इतना।